आज महसूस हो रहा है कि सरकारी नौकर, क्योंकि मेरा बच्चा जो है बाहर से आया है घर में, ठीक है, आते वक्त हम रो दिए, छुट्टी लेकर मेरा बच्चा घर आया है, वो रोने लगा कि जे मम्मी हम बाहर से आए हैं और तुम हमको छोड़ के जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित शिक्षक कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाए। मतलब आज जान गए बढ़िया से जो बंधुआ मजदूरी क्या होता है और इस तरह उसके दुर्गुणों को हम बच्चों में बता सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को, मेरा नाम अभिषेक है। होली देश भर में मनाई जा रही है, ऐसे में जो शिक्षक हैं वो प्रशिक्षण सेंटरों पर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, ऐसे में वो कैसे होली मनाएंगे बड़ा सवाल है, क्योंकि IAS KK पाठक के विभाग ने उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों पर भेज दिया है, 5 दिनों की प्रशिक्षण केंद्रों पर भेज दिया गया है, ऐसे में होली कैसे मनाएंगे आप लोग प्रशिक्षण सेंटर पर? हाँ, हम लोग समस्तीपुर से आए हैं और सरकार का आदेश हुआ तो पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रायोजित विधान की भी एक सीमा होती है और ये सारे आदेश किस सोच के साथ दिए जा रहे हैं पता नहीं। और साल भर में लोग बाहर से आते हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, दिल्ली पंजाब से लोग होली मनाने घर आते हैं, हम लोग अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ डायरेक्ट में प्रशिक्षण लेने आए हैं। क्या कहेंगे इस आदेश को, इस तरीके के आदेशों को? सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, कोई भी मानसिक रूप से प्रताड़ित शिक्षक कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएगा। और आप शिक्षकों को प्रताड़ित करके, बार बार प्रताड़ित करके आप चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर लें, तो ये संभव नहीं है। शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्या कहेंगे, आदेश का आप लोग पालन कर रहे हैं लेकिन परिवार से अलग हैं होली के दिन? एक पहलू तो सर ने बताया, दूसरा पहलू हमें लगता है जो उच्च अधिकारियों ने ये सोच करके दिया होगा कि जान लेना सभी को, टीचर को आवश्यक है कि किसी भी मजदूर का कोई आत्मसम्मान नहीं होता और ना ही उसके कोई अधिकार होते हैं। और बंधुआ मजदूरी क्या होता है, चूँकि शिक्षक को इस बात को स्वयं में आत्मानुभूति कर लेनी चाहिए जिससे कोई बच्चों को बता सके कि बंधुआ मजदूरी क्या था, इसका हमने प्रशिक्षण कर लिया। मतलब आज जान गए बढ़िया से जो बंधुआ मजदूरी क्या होता है और इस तरह उसके दुर्गुणों को हम बच्चों में बता सकते हैं, ऐसा ही सोच करके शायद ये प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया होगा आज के दिन में। होली के दिन परिवार से अलग हैं, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वाले क्या कहेंगे, सभी एक ही तो कहे, जो किसी जो मजदूर है, जो नौकरी करता है, जो नौकर है, उसके कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं होते, वो अपने नियोक्ता के रहमो करम पे होते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज? बिल्कुल सर ने जो बताया बिल्कुल सही बताया, किसी के मान सम्मान ऐसा लग रहा है शिक्षा विभाग में जो शिक्षक से व्यक्तिगत, जैसे किसी व्यक्ति विशेष से एलर्जी हो और उस बात के लिए उसको बार बार टॉर्चर किया जाए गलत तरीके से उसको आदेश दे करके, वही शिक्षा विभाग में चल रहा है और उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं जो परिवार छोड़ के आज यहाँ डाइट में। आप लोग महिला टीचर हैं, परिवार रहता है आज और कई सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को घर का काम भी देखना पड़ता है, ऐसे में आज के दिन छुट्टी? छुट्टी नहीं, क्या बताएं सर, यहाँ लग रहा है कि सरकारी नौकर है, आज महसूस हो रहा है कि सरकारी नौकर है, क्योंकि मेरा बच्चा जो है बाहर से आया है घर में, ठीक है, आते वक्त हम रो दिए, छुट्टी लेकर मेरा बच्चा घर आया है, वो रोने लगा कि जे मम्मी हम बाहर से आए हैं और तुम हमको छोड़ के जा रही है। अब कुछ नहीं कह सकते हैं इस पे, क्योंकि हम नौकर हैं, हमको नौकरी भी बचानी है तो हम आए हैं ट्रेनिंग में। रोने लगी हैं आप होली के दिन, बताइए किस तरीके से? क्योंकि हम अपने घर से दूर है, इसका दुख है हमें, हमें ट्रेनिंग मिल रही है, ये खुशी है, वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, ये अच्छा लग रहा है। यही चीज़ अगर 7 दिन पहले होता तो और खुशी से करते ये काम, लेकिन प्रेशर में कर रहे हैं, कोई खुशी से नहीं। तो शिक्षक फूट फूट कर रोने भी लगे हैं, देख लिए होली के दिन आज ट्रेनिंग कराइए, रो रहे हैं शिक्षक ऐसी स्थिति। जी सर, सबके बच्चे बाहर से घर आए हैं और एक माँ उस बच्चे को छोड़कर यहाँ आई है तो रोना तो स्वाभाविक है सर, रोना स्वाभाविक है। और भी शिक्षिकाएं हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर शिक्षिकाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परिवार से दूर हैं शिक्षक और काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, परिवार से दूर हैं, डर भी रहे हैं कुछ शिक्षक और डर के भाग भी रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है ये कि होली के दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग कराना कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक ये जो चीज़ें हैं वो जायज़ है। और भी शिक्षक हैं, क्या ट्रेनिंग में आए? हाँ हाँ, ट्रेनिंग में आए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कर रहे हैं होली के दिन, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितनी? यही दुर्भाग्य है ना, हम लोगों का दुर्भाग्य है, बिहार सरकार का जो करना है कर रही है। होली के दिन ट्रेनिंग, परिवार से अलग है? अलग तो है ही।
शिक्षिकाएं फूट फूट कर रोने भी लगी हैं, ऐसे में कैसे होगा संभव? वो क्या करेगी? नहीं, यही तो विभाग का निर्देश है। क्या जो विभाग का निर्देश है वो तो हम लोग का पालन करना ही होगा ना। ऐसे साल में एक बार होली आती है, पालन नहीं करे तो। होली तो साल में एक बार आती है, होली में आप लोग प्रशिक्षण? होली में हम लोग प्रशिक्षण में है, रमजान भी है, रमजान भी है, हम लोग फास्टिंग में है। फास्टिंग हम लोग 4 बजे भोरे घर से चले हैं सर, फास्टिंग में जी। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है क्या? कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इस तरीके के जो आदेश दिए गए हैं, क्या लगता है किस मानसिकता को दर्शाता है ये? संकीर्ण मानसिकता को दर्शा रहा है, डिक्टेटर है और कुछ नहीं। तानाशाही, ये डिक्टेटर है, डिक्टेटर। हाँ, डिक्टेटर है और कुछ नहीं। काफी परेशानी होती है, काफी परेशानी है, काफी परेशान है शिक्षक। अच्छा, ये बताइए कि परिवार वालों से अलग है, परिवार वाले क्या कर रहे हैं? परिवार वाले क्या करेंगे? बोले नौकरी है तो सरकार के आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा। सरकार के आदेश का आप लोग पालन कर रहे हैं, नौकरी है तो, नौकरी है तो सरकार के। परिवार वाले क्या कर रहे हैं? परिवार वाले क्षुब्ध हैं। क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं जो भाई इस तरह की नौकरी करने से क्या फायदा, जब बाल बच्चे के साथ नहीं रहेंगे, होली पर्व त्योहार में नहीं रहेंगे तो कब रहना है। काफी परेशान है, काफी परेशानी। तो परिवार वाले काफी परेशान हैं और साफ साफ कह रहे हैं, जो शिक्षक हैं वो साफ साफ कह रहे हैं ऐसी नौकरी से क्या फायदा। लेकिन बड़ी बात है, शिक्षक आज प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं और प्रशिक्षण कर रहे हैं, फूट फूट कर रो रही हैं शिक्षिकाएं और साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे प्रशिक्षण का क्या फायदा। आप भी शिक्षक हैं सर, ट्रेनिंग सेंटर पर आए हैं, कितनी परेशानी हो रही है ये सर? ये होली को लेकर के सर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर। आप लोग का तो रमजान भी है? हाँ सर, हम लोग का रमजान भी है सर। मेरा घर अली नगर प्रखंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हुआ सर। मैं सोचा कि 26 या 27 को मैं घर जाता, लेकिन सर किसी भी कारण से, ये के पाठक हो या सरकार का पॉलिसी हो, इसके कारण से सर हम लोग को मानसिक रूप से बीमार किया जा रहा है सर। कि हम लोग बताइए सर, होली है, हिंदू भाई लोग का होली है, खास करके महिला का होली है, महिला को वहाँ पे रहनी चाहिए, लेकिन महिला को छोड़ने के बावजूद। मैम, आप लोग भी आई हैं, रमजान चल रहा है, कितनी परेशानी होती होगी? बोलिए बोलिए। जी सर, परेशानी तो फिर क्या करें, विभाग जो कहेगा वही हम लोग करेंगे। रमजान में सुबह सुबह आना पड़ा? हाँ, रमजान में सुबह सुबह होता है, हम लोग से भी खाए और आए हैं। विभाग हम लोग को तो इस तरह से जकड़े हुआ है, न उगलने बढ़ता न निकलने बढ़ता, क्या लगता है कैसी मान सकता है? अब उससे हम लोग तो सर देखिए, हम लोग तो एकदम ये है नॉर्मल में। सर कहना ये है कि हाँ। सर ये सरकार की पॉलिसी है सर, ये बताइए सर, हम लोग इतना लंबा दूरी घर है मेरा, अली नगर धमसान दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, 90 किलोमीटर पड़ता है, 90 किलोमीटर। परेशानी हो रही है, काफी परेशानी हो रही है मैम। मैम, आप लोग को काफी परेशानी हो रही है, होली का दिन है और आज तो परिवार के साथ होली मनाना था। जी सर, परेशानी तो है सर, क्या परिवार को वहाँ छोड़ के और हम लोग यहाँ ट्रेनिंग में है, दिक्कत तो है सर, दिक्कत है काफी। जी जी, होली के बाद होता तो खुशी। क्या लगता है इस तरीके की मानसिकता को, क्या चल रहा है विभाग में, शिक्षा विभाग में? अब उनका जो आदेश है तो हम लोग को पालन करना ही पड़ेगा सर। सरकार का जो आदेश है सर, उसको तो हमको पालन करना है, लेकिन सर इस तरीका से जो है सर नहीं होनी चाहिए सर। हम लोग का रमज़ान भी है, पूरे दिन फास्टिंग रहते हैं, फिर रोज़ा इफ्तार करते हैं, उसके बाद जो है नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ने के बाद उसके बाद सोते हैं, फिर 3 बजे उठते हैं, सेरी खा करके मैं ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर आया सर। बहुत हमको कष्ट होती है सर, कि मेरा दिल का आवाज़ सर, दिल ही जानता है कि मेरा दिल में क्या गुजर रहा है सर। पाठक का आदेश है, क्या लगता है ऐसी आदेश? सर ये कहके पाठक का आदेश हो या सरकार का आदेश हो या जो भी हो, लेकिन ये सरकार की पॉलिसी है सर, हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है शिक्षकों ने, शिक्षक काफी गुस्से में है, साफ साफ कह रहे हैं होली के दिन परिवार के साथ होली मनाते हैं, साल में एक बार होली आती है, लेकिन ये जिस तरीके से शिक्षा विभाग का जो आदेश है, ये आदेश गलत है, तुगलकी फरमान है ये, और डिक्टेटरशिप चल रही है। ऐसे में शिक्षिकाएं फूट फूट कर रोने भी लगी हैं और साफ साफ कह रही हैं, बेटा आया था, बेटे के साथ होली मनाना था, लेकिन विभाग का ऐसा निर्देश आ गया कि अब रोने को मजबूर हैं। इस सेंटर पर मौजूद है लेकिन मन नहीं लग रहा है, बेटे की याद आ रही है। तो बह रही है लाइफ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।